मध्य प्रदेश के खंडवा में जो एकमात्र शहर का पद्म कुंड है जिसमें गणेश प्रतिमा और माता जी का विसर्जन किया जाता है, ये पद्म कुंड पर इस बार ऐसी स्थिति रही, ना ही पानी खाली किया गया और ना ही साफ सफाई की गई, जो कि माता जी की प्रतिमाएं ऊपरी ऊपर दिखाई जा रही है। ये नज़ारा पद्म कुंड का है जहाँ पर ना साफ सफाई की जा रही है ना कुछ किया जा रहा है। नगर निगम महापौर अमृता अमर यादव द्वारा एक टीम गठित की गई जिसको लेकर पद्म कुंड में कुछ अलग बदलाव किया जाएगा। तौर पर एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर है पद्म कुंड। वैसे तो हमारे खंडवा जिले में चार कुंड है और चारों अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मौजूद है। महाभारत काल से इनका इतिहास रहा है और एक पद्म कुंड जो हमारे शहर के मध्य स्थित है जहाँ पर हम देखते हैं कि गणेश विसर्जन हो या माता जी की मूर्तियों का विसर्जन हो, एकमात्र स्थान वहीं पे है जाके सभी माता जी और भगवान श्री गणेश का विसर्जन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये विसर्जन होने के बाद वो जो ऐतिहासिक धरोहर पद्म कुंड की, उसमें वो कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि उनकी जो झीरें हैं कहीं ना कहीं बंद होने लगी है। जबकि वो जिंदा कुआ है, चाहे कितना भी अकाल पड़ा हो लेकिन उसमें पानी कभी ख़त्म नहीं होता था, लेकिन अब लग रहा है कि वो झीरें बंद हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकार के केमिकल मूर्तियों में रहते हैं, कई प्रकार के प्लास्टावरा पेरिस के जो वो रहते हैं उससे झीरें बंद हो रही है और इसको अब सजोने की काफ़ी आवश्यकता है। लगातार वर्षों से मांग तो की जा रही है लेकिन अगर मुहिम जो एक नगर निगम ने महापौर अमृता अमर यादव के साथ ही पूरी MIC टीम ने एक अच्छा अभियान चलाया है, साथ ही एक समिति भी का भी गठन हुआ है विगत दिनों कि हमको कुछ नहीं खंडवा में पद्म कुंड को बचाना है, उसको लेकर एक समिति का गठन हुआ है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ ही दो तीन चार दिनों के अंदर वहाँ पर जाके इसका निरीक्षण किया जाएगा कि इस कुंड को कैसे बचाया जा सके, यहाँ इसको ऐतिहासिक धरोहर कैसे बनाया जा सके। साथ ही जिलोद्यान जहाँ लगा है अभी जो प्लानिंग के हिसाब से जिलोद्यान है वहाँ पर पद्म कुंड के समतुल्य कुंड का निर्माण कर दिया जाएगा और पानी यहाँ का जो मोटर के माध्यम से उसमें पहुँचाया जाएगा कि पानी की पवित्रता भी उस कुंड में मौजूद रहे, उसको देखते हुए एक प्लानिंग बन रही है। दो चार दिनों के अंदर पूरी नगर निगम की टीम के साथ ही हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं उनके भी नॉलेज में लाया है, उन्होंने भी बोला है कि अपन किसी भी हालत में पद्म कुंड के इसको ऐतिहासिक धरोहर को बचाएंगे। और कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं गंदगी, क्योंकि मूर्तियां बराबर थे विसर्जन नहीं हो रही, बड़ी बड़ी मूर्तियां आती है, आज हम देखने जाएंगे तो बड़ी हालत ख़राब होती कि किसी के भगवान श्री गणेश जी की कहीं माता जी की मूर्ति के पैर इधर बाहर है, मुँह अलग है, पूरी तरह से गलती नहीं है, तो उसको देखते हुए एक अच्छा निर्णय हुआ है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नगर निगम के माध्यम से एक अच्छा वहाँ पर जो जिलोद्यान में वहाँ पर एक पद्म कुंड का सेम रूप का जो कुंड बना है उसका एक निर्माण हो जाए ताकि अगले गणेश जी के विसर्जन के समय हम प्रतिमाओं को वहाँ विसर्जित कर सकें और यहाँ पर एक अच्छा पद्म कुंड का एक अच्छा नया रूप देकर उसको आकर्षक बनाया जाए। अभी जो इतनी गंदगी पड़ी हुई है उसको लेकर क्या कर रही है अभी जो अभी देखा कि लगातार गणपति विसर्जन के बाद तत्काल मतलब ये जो माता जी का भी आ गए थे तो दोनों त्योहारों को देखते हुए नगर निगम की टीम लगातार अब चल रही है और दो चार दिनों के अंदर उसका पूरी तरह से सफाई अभियान भी शुरू होगा ताकि वहाँ पे जो मलबा जो पड़ा हुआ है उसको हटाया जा सके।